इतना राम नहीं के समान है ना, तो बाल फटे सब खिला ना राम है रामी देवी। का खाबे बोल है ने आ है ने खाबे हां हे गाइज, मैं हूं अब्दुल और दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम अपने गांव आए हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रहा था कम से कम 2-3 दिनों से। अभी काफ़ी हालत ख़राब है, देख सकते हो रोड वगैरह का, और भी कुछ कुछ नज़ारा दिखाते हैं तो वीडियो में बने रहे हैं आप लोग। इधर में देख सकते हो मीनू साथ में है और एक बाबू भी है। चलते हैं खेतों की तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को, तो चले साथ में बने रहें आप लोग। इधर में देख सकते हो दोस्तों बैक तरफ से हम लोग जा रहे हैं, इधर में गलियारी टाइप का रोड है। इस रोड का पहले भी आप लोग देख चुके होंगे। बाकी चलिए अभी नज़ारा दिखाते हैं खेत उत का, किस तरह से है, क्या कंडीशन में है, तो साथ में बने रहो आप लोग। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। आप लोग को ऐसी बेहतरीन बेहतरीन गांव और फार्मर लाइफ का जिंदगी दिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। इधर भी देख सकते हो दोस्तों कैसा कीचड़ पड़ा हुआ है, इधर ही से जाना पड़ेगा, क्या ही बोले। एक इधर में बाबू भी है छोटा सा, और इधर देखिए एक घर भी धंस चुका है, हम लोग के चाचा के ही घर है। ये देख सकते हो बहुत बारिश हुआ है दोस्तों। बारिश बहुत तेज नहीं था लेकिन धीरे धीरे बारिश लगातार हुआ ना, 3-4 दिन तक पूरा अंदर तक पानी चला गया, जिसके कारण से इनका घर का दीवार भी टूट के गिर गया है। देख सकते हो काफ़ी परेशानी की बात है। बाकी चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं और भी नज़ारा। इधर में देख सकते हो बकरी वगैरह भी चर रही है बारी में, अभी कुछ बारी में लगाया हुआ नहीं है, घास पूरा फैला हुआ है, तो बकरी लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा है घास खाने में। इधर देखिए कद्दू वगैरह लगाया हुआ है, अभी कद्दू फला नहीं है। एक चिड़िया भी बैठी हुई है, कौन सा चिड़िया है देखिए, वाह काफ़ी सुपर लग रही है, जूम करके दिखाते हैं। ये चिड़िया का क्या नाम है, ढेचू, ढेचुआ चिड़िया है। हमारे भाभी जी बता दे ढेचुआ चल रहे हैं, वो देखिए इधर में देख सकते हैं हमारे भाभी आए हुए हैं बकरी वगैरह को बांधने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। काफ़ी शानदार लोकेशन और नज़ारा लग रहा है दोस्तों, क्या ही बोले, दिल खुश हो गया। बहुत दिनों के बाद में गांव आए हुए हैं और मौसम का हालत देख सकते हो दोस्तों, अभी भी पूरा बादल वगैरह क्लाउडी लग रहा है, क्या ही बोले। कब बारिश होगा, क्या होगा, कुछ अता पता नहीं है। बाकी थोड़ा सा अभी बारिश छूटा हुआ है तो सोचे आप लोग को नज़ारा दिखा देते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों धान का खेती का नज़ारा, काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, करीबन 2.5 फीट का हो चला है धान वगैरह। अब इसमें बीजा फल वगैरह आने का स्टार्ट हो जाएगा। इधर देख सकते हो दोस्तों हर तरफ पूरा हरियाली हरियाली, एकदम मस्त डिजाइन का लग रहा है, क्या ही बोले, मज़ा ही आ गया। एक दो खेत में तो दिख रहा है हमको धान का फसल लगने लगा है। चलिए आप लोग को सामने से भी नज़ारा दिखा ही देते हैं, धान का फसल लगने लगा है। देख सकते हो दोस्तों जहाँ तक नज़र जाएगा पूरा धान ही धान एकदम लगा पड़ा हुआ है, काफ़ी शानदार लग रहा है नज़ारा। चलिए थोड़ा आगे दिखाते हैं, ये वाला धान में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, एक आया हुआ है देख सकते हो, फल लगना स्टार्ट हो चुका है। और भी दिखाते हैं दोस्तों, चलिए इससे आगे वाला खेत में तो पूरा फसल लग चुका है, ये देख सकते हो। इधर का 2-3 खेत में पूरा एकदम मस्त टाइप से फसल वगैरह लग गया है, देख सकते हो पूरा लहलहा रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, मज़ा ही आ गया भाई। ये अभी हम लोग अपने गांव के बैक साइड में हैं, इधर में आप लोग को घर वगैरह दिखने को भी नहीं मिल रहा होगा, देख सकते हो पूरा पेड़ पौधा से एकदम पूरा घर वगैरह सब ये हो जाता है,
हम और मीनू साथ में आए हुए हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताए हैं। ये देख सकते हो मीनू पबजी वाला गंजी पहना हुआ है। ये वही टी शर्ट है, पता है ये बाबू के लिए मंगाया गया था, लेकिन बाबू को काफ़ी बड़ा हो गया तो हमारे मीनू को फ़ायदा मिल गया। काफ़ी अच्छा टी शर्ट है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहें, दोस्तों आप लोग को और भी बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बस, बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल में नए होंगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।